subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamualaikum, welcome to Numan Ali Technical Channel. और आज हम बनाएंगे डेस्कटॉप स्क्रीन रिकॉर्डर. मैं अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ. एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके सबसे पहले इसकी स्टार्टअप पोजीशन को मैंने किया सेंटर स्क्रीन और इसका टेक्स्ट का नाम रिप्लेस करके स्क्रीन रिकॉर्डर. उसके बाद मुझे टूल में जाके एक चाहिए पिक्चर बॉक्स. पिक्चर बॉक्स को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँगा इसकी पोजीशन को और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसके एंकर को सेट करूँगा राइट साइड पे और बॉटम पर सेव, ताकि ये रिस्पॉन्सिव रहे स्क्रीन जितनी मर्ज़ी बड़ी हो और छोटी हो. उसके बाद मुझे यूज़ करना है एक बटन और थोड़ा सा इस बटन की प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैं इसका नाम चेंज करके लिखूँगा कैप्चर. इसी बटन की मैं बनाऊँगा 3 कॉपी. सेकेंड वाले पे मैं लिखूंगा रिकॉर्ड और उसके बाद लास्ट वाले पे मैं लिखूंगा स्टॉप. यहाँ पे मैं रिकॉर्ड वाले के लिए एक इमेज इंपोर्ट करूंगा और उसकी इमेज की पोजीशन को मैं लेफ्ट साइड पे कर दूंगा. कैप्चर वाले बटन पे डबल क्लिक करके चलो इसका कोड लिखते हैं हम. मैं लिखूंगा बिट मैप. बिट मैप एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ. बीटी इक्वल्स टू न्यू बिट मैप. यहाँ पे मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं पास करूँगा स्क्रीन डॉट प्राइमरी स्क्रीन डॉट बाउंड्स डॉट विड्थ. इसी तरह दोबारा से मैंने विड्थ और हाइट सेट करने के लिए लिखना स्क्रीन डॉट प्राइमरी स्क्रीन डॉट बाउंड डॉट हाइट. तो जो हमारी पिक्चर बॉक्स की स्क्रीन है उसकी विड्थ और हाइट को कैच करो. उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्राफिक्स. ग्राफिक्स का भी एक ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट से पहले मैं ग्राफिक्स को कॉपी करके ग्राफिक्स डॉट फॉर्मेट फ्रॉम इमेज. फ्रॉम इमेज के अंदर मैं फोर साइड का पहले मैं बीटी के ऑब्जेक्ट को पास कर लेता हूँ. बीटी ऑब्जेक्ट पास करके मैंने यूज़ किया ग्राफिक्स डॉट कॉपी फ्रॉम स्क्रीन और यहाँ पे मैं इसके फोर साइड्स की वैल्यू को ऐड करूँगा और उसके बाद इसमें पास करूंगा बी टी डॉट साइज. बी टी डॉट साइज के बाद मैं लिखूंगा पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज इक्वल्स टू बी टी. तो हमारा कैप्चर वाला कोड कंप्लीट हो गया. स्टार्ट करके देखते हैं. अब होगा ये कि जैसे मैं कैप्चर पे क्लिक करूंगा तो वो मेरा जो डेस्कटॉप का एक इमेज है वो कैप्चर करके ले आएगा. तो देखा आपने, तो ऐसा करते हैं कि अब रिकॉर्डिंग वाला कोड इसमें कर लेते हैं. तो मैं सबसे पहले इमेज को स्ट्रेच इमेज कर दूंगा ताकि फुल स्क्रीन पर नज़र आए और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाले बटन पे क्लिक करके जो भी रिकॉर्ड करना है हमने अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को करेंगे रिकॉर्ड. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा वाइड कैप्चर, क्योंकि वाइड की कोई रिटर्न टाइप्स नहीं होती. तो वाइड वाइल का लूप यूज़ करूँगा यहाँ पर, लूप वाइल ट्रू और ऊपर वाले ही कोड को सेम कॉपी करके वाइल के अंदर पेस्ट कर देना. उसकी वजह ये है कि जब वाइल का लूप चले तो इमेज कैप्चरिंग शुरू हो. यहाँ पे जब रिकॉर्ड वाले बटन पे आके मैं एक थ्रेड बनाऊंगा, इसको करेंगे इंपोर्ट यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग. थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनेगा एक थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू थ्रेड. एक मैंने डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट में थ्रेड को मैंने पास करना है कैप्चर वाले को, ताकि जब थ्रेड चले तो बार बार लूप चले वाइल वाला. तो टी डॉट स्टार्ट, तो अपने थ्रेड को स्टार्ट करेंगे.
ये थ्रेड कब स्टार्ट होगा? जब मैं रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करूंगा और कैप्चर में जाके थ्रेड डॉट स्लीप को मैं टाइम दे दूंगा, इतनी टाइम बाद वो स्लीप हो जाए। तो चलिए हमारा कोड कंप्लीट हो गया है और इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। जैसे ही मैंने प्रेस किया रिकॉर्ड पर, तो आपने देखा कितनी सारी के साथ हमने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर बना लिया, जो भी मेरी डेस्कटॉप पे काम हो रहा है ये उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। रियल टाइम स्क्रीन रिकॉर्डर हमारा चल रहा है। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी के साथ डेस्कटॉप स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर को बनाया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।